नमस्कार, की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सुभाषपा द्वारा सरदार पटेल एकता समारोह का किया गया आयोजन। श्री काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पण के उपलक्ष्य में निकाली गई प्रभात फेरी। हरिश्चंद महाविद्यालय के छात्रों ने कॉलेज परिसर में व्याप्त विभिन्न समस्याओं के विरोध में किया धरना प्रदर्शन। और बीएचयू के रेजिडेंट चिकित्सकों द्वारा हड़ताल कर इमरजेंसी सेवा बंद किए जाने से मरीजों को हुई काफी परेशानियां। और अब खबरें विस्तार से। सुभाषपा द्वारा सरदार पटेल एकता समारोह का आयोजन किया गया। बुधवार को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा भरलाई शिवपुर हटिया छत्रीपुर के मैदान में सरदार पटेल एकता समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से सुभाषपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर व सपा के पूर्व मंत्री रामप्रसाद चौधरी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। वहीं इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि लाल और पीले का गठबंधन देख भाजपा घबराई हुई है। वहीं उन्होंने मस्जिद का रंग परिवर्तित किए जाने पर कहा कि भाजपा यही चाहती है कि हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाए। आपके सहकर्मी भी हैं, उन्होंने आज कहा है कि मंदिर के बगल में सफेद भवन छुपते हैं हिंदुओं के दिल में, तो सफेद कुर्ता पहले निकाल के फेंक दें। सफेद भवन कुर्ता नहीं, अरे तो सफेद है ना भैया, तो सफेद तो वो है कुर्ता, ऐसा चुभी ना कि दोबारा सदन में न जाई है, ये बता देते ही। कल बनारस में देखने को मिला मस्जिद का रंग गेरुआ, फिर बाद में फिर सफेद। देखिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसा संविधान दिया है ना कि पानी पिया दे, काहे बदे फिर बदल दे लान, है हिम्मत तो फिर कर दे। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान है, ये मनु का संविधान नहीं है, उलाट देंगे सब। क्या लगता है जानबूझ के किया गया था? जानबूझ के भाजपाई खाली दंगा कराओ बदे सब करत हुआ कि हिंदू मुसलमान हो जाए, और कुछ नहीं आने के है, कोई काम तो किए नहीं, एक को काम ही बता दें कि हम कहले हैं। 21 तारीख को प्रयागराज में प्रधानमंत्री महिला सम्मेलन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं 2022 को लेकर और साधने की बात। यार देखो जेकरे पहले परिवार नहीं, वो परिवार का क्या बात करी है। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र घोषित किया है, उसमें महिलाओं को जगह दी है, आगे कुछ महिलाओं के लिए भी आप लोग सोच रहे हैं क्या भागीदारी? 1500 रुपया था भैया पेंशन बदे घोषणा का बैल है, सरकार बनी तो 500 से बढ़ा के 1500 हुई, स्कूटी देना उसके साथ ही। अब भाई वो कांग्रेस का मामला है, हमारा मामला है 50% आबादी महिलाओं की है और उनको 50% हिस्सेदारी देने का काम हम लोग करेंगे। ये लाल और पीला देख करके लखनऊ और दिल्ली में लोग लाल पीला हो रहे हैं, इस नाते हमने लाल और पीला बांधा है और पहना है। रंगों को लेकर जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, आज कई नेता भी पहुंच गए और इसको लेकर, तो ये क्या है? देखिए ये लाल और पीला मिलने से उत्तर प्रदेश की सत्ता जा रही है, लोग घबराए हुए हैं, वो घबराहट में इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं लोग। तो प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण होगा 23 तारीख को, किसानों से भी मिलेंगे, क्या लग रहा है? तो किसानों का धन तो दुगुना करा रहे हैं योगी जी का सांड, तो क्या उस सांड पे कोई काम कर रहे हैं? हरकल मटर हुआ, आलू हुआ, गेहूं हुआ, सब चल रहे हैं योगी का सांड, मोदी का सांड, इस पे तो कोई अंकुश नहीं लग रहा है, महंगाई पे तो कोई अंकुश नहीं लग रही है। आज नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, इसको रोजगार के लिए कोई इनके पास स्कीम नहीं है कि आज 34 लाख पद सरकारी खाली हैं, ये जब पेपर जब नियुक्ति निकाल रहे हैं तो इनका पेपर वह लीक हो जा रहा है, ये अपना लीकेज खुद नहीं बंद कर पा रहे हैं। मंत्री जी 16 तारीख को बाबा विश्वनाथ में कैबिनेट की बैठक हो रही है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि मंदिर में बैठक हो रही है, क्या कहेंगे? तो उन्होंने उनके मंदिर तो लौका था, मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान, लेकिन अखिलेश जी ओम प्रकाश राजभर जी को सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, जातिवार जनगणना, घरेलू बिजली का बिल माफ करना, गरीबों का इलाज फ्री में करना, प्रदेश में अमन चैन कायम करना, ये दिख रहा है। जो किसानों की क्षति
हो रही है, ये खुद खाद नहीं दे पा रहे हैं, किसान लाइन में लग करके ये खाद लेने से परेशान है, उसकी बुआई नहीं हो पा रही है, इनके योगी जी के साढ़ जो है किसानों का धन दुगुना कर रहे हैं, इसको इससे निजात दिलाने के लिए हम लोग अपना काम कर रहे हैं। अगर बात की जाए अयोध्या काशी अयोध्या काशी निर्माण जारी है अभी हम तो कह रहे हैं पहले भाजपा वाले टेस्ट करा लें, अभी अभी कौन रिजीवी के कौन ज्वाइन किया है ना, हिंदू बना है भाजपा के लोग, पहले ही बताओ कहा होकर सर्जरी करी है पकड़ के, कहा कुछ ये मिली है भाजपा इनसे कि कहो कर सर्जरी करवा पकड़ के, पूछ लिया उसे कि राजभर पूछा था ना ओकर सर्जरिया के करी, ओकर मुसलमानी भइल बा, जब तक मुसलमान के बेटा के मुसलमानी नहीं तब तक वो मुसलमान नहीं कहला सकता, तो तब वहीं भी मुसलमान है, पकड़ के सर्जरी कह दें भाजपा ही पहले। नहीं ये सरदार पटेल एकता के नौजवान लोग हैं, वो लोग सभी समाज के लोगों को एकजुट करके और आगे रणनीति बना के काम करना चाहते हैं, इसके लिए आज हम लोगों को आमंत्रित किए। जानते हैं गठबंधन है आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी का, आदरणीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी, हम लोगों का गठबंधन है, गठबंधन के हिसाब से हम लोग अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। कितना कमाल करेगा गठबंधन? गठबंधन पूरा पूरा सरकार में लाल पीला पानी पिला पाएगा? निश्चित रूप से ये लाल पीला रंग पानी पिलाने का। कितना सीटें की उम्मीद है आप लोगों को? सीट 350 से ज़्यादा, 400 से 350। विपक्ष का तो यही है 400 के पार, तो अखिलेश यादव भी 400 के पार, क्या होगा? हम अलग थोड़ी हैं अखिलेश यादव जी से, उन्हीं के तो सिपाही हैं हम लोग। श्री काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पण के उपलक्ष्य में प्रभात फेरी निकाली गई। श्री काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पण के उपलक्ष्य में प्रभात फेरी दिव्य काशी भव्य काशी के परिप्रेक्ष्य में गुदौलिया चौराहे से निकाली गई। कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री डॉ. नीलकंठ तिवारी ने किया। अपने उद्बोधन में उन्होंने काशीवासियों से अपील की कि सभी काशीवासी 12, 13 और 14 दिसंबर को दीपोत्सव पर्व के रूप में मनाएं। इस दौरान डमरूदल ने चौराहा स्थित नंदी महाराज की फेरी की, तत्पश्चात ज्ञानवापी स्थित बाबा विश्वनाथ धाम के उत्तरी द्वार पर जाकर कार्यक्रम का समापन किया गया। संकीर्तन प्रभात फेरी के दौरान डमरूदल का डमरू वातावरण को गुंजायमान कर रहा था। डमरूदल का नेतृत्व मोहित चौरसिया ने किया। प्रारंभ में महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय ने डमरूदल के सदस्यों का माल्यार्पण कर उनका उत्साह वर्धन किया। उपस्थित लोग डमरूदल पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में महापौर मृदुला जायसवाल भी उपस्थित रहीं। इस मौके पर कार्यक्रम संयोजक डॉ. राजेश त्रिवेदी, अश्विनी पांडे, महानगर मीडिया प्रभारी किशोर कुमार सेठ, अनूप जायसवाल, जगदीश त्रिपाठी इत्यादि बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। श्री विश्वनाथ धाम के निर्माण का संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया था, वो पूरा हो रहा है और बहुत जल्द, कुछ घंटों का लीजिए कुछ दिनों में इसका लोकार्पण होना है। पूरी काशी, पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश एक ही भाव में इस समय रंग गया है कि हमें उद्घाटन के दिन, लोकार्पण के दिन 13 तारीख को उत्सव मनाना है। उस उत्सव के माहौल को आज से ही, आज से 5 दिन 10 दिन पहले से ही, महीना भर पहले से भी और महीना भर आगे तक भी मनाने की योजनाओं पर लगातार सुधिजन, काशी के सुधिजन, उत्तर प्रदेश के विद्वज्जन, देश के विद्वज्जन सबने योजनाएं अलग अलग बनाई है। इस योजनाओं में यह आज से प्रभात फेरी यहाँ से प्रारंभ हो रही है। यह प्रभात फेरी प्रत्येक वार्डों में प्रत्येक दिवस लोकार्पण तक और लोकार्पण के बाद तक भी चलेगी। हरिश्चंद्र महाविद्यालय के छात्रों ने कॉलेज परिसर में व्याप्त विभिन्न समस्याओं के विरोध में धरना प्रदर्शन किया।
हरिश्चंद महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर वर्तमान छात्र संघ उपाध्यक्ष अमन यादव, महामंत्री नितिन यादव, पुस्तकालय मंत्री शक्ति साहनी के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें महाविद्यालय के प्राचार्य के ऊपर घोर लापरवाही का आरोप लगाया गया। छात्रों ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत अभी तक महाविद्यालय में नई पुस्तकें नहीं मंगाई गई हैं। महाविद्यालय की कक्षाओं में लाइट और साफ सफाई की समुचित व्यवस्था न होने एवं परिसर में सेंसर युक्त सैनिटाइजर मशीन में समय से सैनिटाइजर न डालने व छात्रों से संबंधित काउंटर अपने समय पर न खुलने सहित अन्य समस्याओं से छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। धरना प्रदर्शन में शंभु बेनवंशी, गौरव यादव, ऋषि यादव, सावन यादव, राहुल कन्नौजिया इत्यादि सैकड़ों की संख्या में छात्र शामिल रहे। आज किस बात को लेकर के आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग लगातार अपने महाविद्यालय के प्राचार्य जी को हर बार, जैसे इस वर्ष इसमें सेमेस्टर वाइज सब हो गया परीक्षाएं, तो महाविद्यालय में जो भी लाइब्रेरी में बुक नहीं है, हम लोग अक्सर उनको ज्ञापन दिया करते हैं, उन्होंने हमारे ज्ञापन का मान नहीं रखा, हमारे ज्ञापन को उन्होंने कुछ नहीं समझा, और इसीलिए आज हम लोग महाविद्यालय के गेट पर धरना देने का कार्य किए, ताकि महाविद्यालय के जो प्राचार्य जी है, जो गरीबी में सोए हैं, वो हम लोग की बातें सुने और छात्र हितों के लिए हम लोग का जो बात हम लोग रखने आए हैं, हम लोग की बात माने। महाविद्यालय की प्रशासन इतनी सोख चुकी है कि हम जितने के पहले हम भी ये कहे थे कि लाइब्रेरी की बुकें आ जाएंगी, लेकिन जितने के तुरंत बाद हमने ज्ञापन दिया, आज लगभग 3 से 4 महीने हो गया, ज्ञापन का कोई आंसर नहीं आया। उधर से भी दोबारा हम लोग ने ज्ञापन दिया, उसका भी कोई उत्तर, तो मैंने हम लोग ने ये जान गया कि महाविद्यालय प्रशासन पूरी तरीके से सोच चुकी है, तो आज हम लोग गांधीवादी तरीके से महाविद्यालय गेट पर धरना देने का कार्य किए। आगे क्या करेंगे? अगर महाविद्यालय के प्राचार्य जी इसी तरह गरीब नींद में सोते रहे, तो उनको हम लोग महाविद्यालय के जो छात्र हितों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ये शासन प्रशासन तक हम लोग लड़ रहे हैं। किस बात को लेकर के आज कर रहे हैं? महाविद्यालय में प्राचार्य जी गहरी नींद में सोए हुए हैं, हम लोग आज उनको गांधीवादी तरीके से जगाने का कार्य किए हैं। नई शिक्षा नीति लागू हुए जून में हो गई थी, आज दिसंबर का माह चल रहा है, कुछ दिनों में सेमेस्टर की परीक्षाएं होने वाली है, अभी तक ये किताबें उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। छात्रों का हथियार होता है किताब, जब हमारे पास हथियार ही नहीं रहेगा तो हम कैसे किसी से लड़ेंगे, क्या पढ़ेंगे और क्या सीखेंगे? तो क्या कर रहे हैं आज आप? आज हम लोग एक दिवसीय धरने के माध्यम से गांधीवादी तरीके से प्रचार का बताने कार्य करें, उनका अवगत कराने कार्य करें, अगर वो फिर भी नहीं माने तो उनको चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह के अंदाज में अपनी बात मनवाने का कार्य किया जाएगा। सौरभ जी, आज किस बात को लेकर के आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग महाविद्यालय में प्रधानाचार्य जी को ज्ञापन दिए थे कि महाविद्यालय की दैनिक स्थिति बहुत खराब चल रही है, और महाविद्यालय में बच्चों को लाइब्रेरी संबंधी से बुक नहीं इशू हो पा रही है, इसके लिए हमारे वर्तमान के महामंत्री और वर्तमान के उपाध्यक्ष, वर्तमान के महामंत्री नितिन कुमार यादव और वर्तमान के उपाध्यक्ष अमन यादव जी और वर्तमान के पुस्तकालय मंत्री शक्ति साहनी जी, जो मिलकर हम लोगों ने प्रधानाचार्य जी को ज्ञापन देने का काम किए थे, उसके बावजूद भी प्रधानाचार्य जी ने हम लोगों के ज्ञापन पर जरा से ध्यान नहीं दिया, इसीलिए हम लोगों ने कहा इतनी गहरी नींद सोने अच्छी बात नहीं है, जब हमारे इस भविष्य के छात्र छात्राएं ही नहीं पढ़ पाएंगे बुक की वजह से, और सेमेस्टर की पेपर जल्द ही आने वाली है, जब बुक ही नहीं मिल पाएगी तब किस आधार पर बच्चों पेपर देंगे, इसी सब कारण की वजह से आज हम लोगों ने अपने वर्तमान के पदाधिकारियों के साथ और वर्तमान के प्रत्याशियों के साथ हम लोग महाविद्यालय पर धरना और प्रदर्शन का काम किए, और प्रधानाचार्य जी को बताने चाहा, आज तो हमने गांधीवादियों के तरह से आज धरना दिया, वक्त आया तो भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस भी बनने का। बीएचयू के रेजिडेंट चिकित्सकों द्वारा हड़ताल कर इमरजेंसी सेवा बंद किए जाने से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में 27 नवंबर से जूनियर चिकित्सकों द्वारा नेट पीजी में काउंसलिंग में देरी के विरोध में हड़ताल किया जा रहा है, जिसको लेकर मरीज और उनके तीमारदारों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बुधवार को इमरजेंसी सेवा भी बंद करा दी गई, जिससे मरीज तथा तीमारदार काफी परेशान हो गए, दूर दराज से आए मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। हम यहाँ बीएचयू हॉस्पिटल में आए हैं, क्या करना है? अपनी वाइफ को लेके कनमरे इमरजेंसी में लेके आए, जौनपुर से लेके हम आए हैं कनमरे, वहाँ उनकी तबीयत खराब हो गई थी ज़्यादा, वहाँ 12-13 दिन भर्ती थे, वहाँ से जब थोड़ा सा केस बिगड़ गया कनमरे, तो हम यहाँ बीएचयू में दिखाने के लिए लाए हैं, लेकिन यहाँ लाए हैं तो इमरजेंसी में उन्होंने देख लिया, देखने के बाद 24 घंटे के लिए हमको रख लिया, रखने के बाद सुबह कुछ हमको लिख दिया कि इस कमरे में जाओ, उस कमरे में नंबर में जाओ, वहाँ जाँच कराओ, जाँच हम लोगों ने कराया कनम मान लीजिए कनम रहे, लेकिन 24
घंटा बीत नहीं पाया, पूरा हमारा जांच कंप्लीट नहीं हो पाया। हमको बेड और चाहिए था, एक दो दिन चार दिन जब भी चाहिए था, लेकिन कनम सुबह होते ही इन लोगों ने कहा कनम भैया अब आप जाइए फला जगह वहाँ दिखाइए। अब वहाँ अगर जा रहे हैं तो सुबह 10 बजे से खड़े स्ट्रेचर पर ले कर खड़े हमको 2-3 बज गया। नॉर्मली केस देख रहे हैं कनम रे डॉक्टर साहब, कनम रे 200-300 पर्चा देख रहे हैं, 200-250 पर्चा देख रहे हैं, 6-7 पर्चा कनम स्ट्रेचर का नहीं देख रहे हैं कनम रे। उनको नहीं उठ के आज चैम्बर से उठ के नहीं आ पा रहे हैं कि थोड़ा सा लाइन में लगे हैं चैम्बर में स्ट्रेचर वाले, ये इमरजेंसी केसेज हैं कनम रे, इनको हम डील कर लें, उसके बाद 200-250 जो भी पर्चा है उसको हम डील करें। यहाँ पे आने के बाद में आपको कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी? परेशानी है भैया कनम रे, सुबह से ले सुबह से क्या बताया गया डॉक्टरों के लिए क्या बताया गया? अब डॉक्टर साहब कनम बोल रहे हैं कनम भैया आप जब 3-4 घंटा हो गया कनम बोले 2 बजे के बाद उठेंगे, एक ही साथ में सब जितने कनम स्ट्रेचर मरीज हैं सबको देखेंगे, जब 1:30 बजा तो 1:30 बजे के बाद कनम बोल रहे हैं कनम रे सब लोग जाइए इमरजेंसी में, डॉक्टर साहब कौन मिश्रा अभिषेक मिश्रा कौन है वो बैठे हुए हैं, जाइए दिखला दीजिए उनको कनम रे। अब जब वहाँ गए आए नीचे इमरजेंसी में तो पता लगा डॉक्टर साहब अभी आधे घंटे पहले चले गए, तो मरीज इस तरह क्या करेगा कनम रे, वहाँ भेजे फिर यहाँ भेजे कनम रे, मरीज तो हताश हो जा रहा है कनम रे, परेशानी है। और फिर हम लोगों ने हमारा काम पूरा नहीं हुआ, हम थोड़ा सा अपने मरीज के लिए कनम रे इमरजेंसी में फिर एक बार पर्चा बनवा के फिर घुसे किसी तरह कि हमारा काम पूरा हो कनम रे, लेकिन आज सुबह होते ही फिर हमको डिस्चार्ज कर दिया गया, थोड़ा मोड़ा हमको जो दवा हुआ डॉक्टर साहब लिखे हैं कनम रे वही हम अपना लेके जा रहे हैं। क्या पता भी लगा हड़ताल चला? हाँ डॉक्टर साहब बोले हैं कनम रे कि हड़ताल चले भी है, डॉक्टर साहब है नहीं कनम रे, सब जूनियर डॉक्टर लोग काम कर रहे हैं कनम रे, कितना मरीज देखेंगे डॉक्टर साहब कनम रे, जब कोई है ही नहीं है स्टाफ तो क्या करें, मजबूरी हमारी है कनम रे। गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के उद्देश्य से खिड़किया घाट पर सीएनजी स्टेशन बनाया जा रहा है, जिसमें अब तक लगभग 218 नावें सीएनजी में तब्दील कर दी गई हैं। गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के उद्देश्य से खिड़किया घाट पर सीएनजी स्टेशन बनाया जा रहा है। इस बाबत कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री का निर्देश था कि जो गंगा में डीजल से नाव चल रही है उनसे होने वाले प्रदूषण को कैसे कम किया जाए, उस दिशा में काफी विचार विमर्श हुआ और इस शोध के बाद नावों को सीएनजी में कन्वर्ट करने की मुहिम चली, जिसमें गेल के माध्यम से खिड़किया घाट पर सीएनजी स्टेशन बनाया जा रहा है और गेल के ही माध्यम से जितनी डीजल से नावें चल रही है उन्हें सीएनजी में कन्वर्ट किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभी तक 218 से अधिक नावें सीएनजी में तब्दील की जा चुकी हैं और हमारा लक्ष्य है कि अगले साल तक सभी नावों को सीएनजी में कन्वर्ट करा लिया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश था कि जो गंगा में नावें चलती हैं, जो डीजल की नावें चलती हैं, उनको हम लोग प्रदूषण रहित या उसका प्रदूषण कम कैसे कर सकते हैं, उसी दिशा में कई सारे उसमें प्रयोग हुए और इसमें शोध हुआ और अंततः यह निकला कि इसको अगर सीएनजी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो इसमें जो प्रदूषण की एयर पोल्यूशन की जो मात्रा है वो काफ़ी कम हो जाएगी, साथ साथ जो ध्वनि प्रदूषण है और जो लोगों को श्रद्धालुओं को उसके वाइब्रेशन से जो कठिनाइयाँ होती हैं उसमें भी काफ़ी कमी आ जाएगी। उस दिशा में फिर गेल के माध्यम से एक वहाँ पर सीएनजी स्टेशन बनाने का प्लान हुआ जो हमारे खिड़किया घाट के पास बन रहा है और साथ साथ गेल के सीएसआर के सहयोग से ही जितने भी हमारे नावें चल रही हैं उनका जो डीजल से कन्वर्जन सीएनजी में कन्वर्जन कराने का काम शुरू हुआ, जिसमें हम लोग करीब 218 से ज़्यादा नावें को सीएनजी में कन्वर्ट करा भी चुके हैं। हमारा जो सीएनजी स्टेशन है वो स्थापित भी हो चुका है, वहाँ से ईंधन भरने का काम भी चालू है और हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग अगले साल की शुरुआत में हम लोग जितने भी हमारे डीजल चालित नावें हैं उनको सबको हम लोग सीएनजी में कन्वर्ट करवा रहे हैं। एरिया बना उसमें कितनी लागत आई है, उससे क्या फायदा होगा? इसमें मैंने कहा कि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट है जिसमें खिड़किया घाट का पूरा पुनर्जीवन वो भी शामिल है, जब आप खिड़किया घाट जाके देखिए तो उसका पूरा स्वरूप चेंज हो गया है और उसी कैंपस में ये सीएनजी स्टेशन बना है, तो टोटल एरिया अगर आप देखेंगे तो टोटल एरिया हमारा करीब 5 एकड़ से ज़्यादा का एरिया है, जो पूरा खिड़किया घाट का मैं एरिया बता रहा हूँ और साथ साथ जो लागत आई है वो करीब 41 करोड़ रुपए वर्तमान में है, उसका सेकंड फेज भी है जो हम लोग खिड़किया घाट से आगे आदिकेश्वर घाट तक ले जाएंगे। सर्किट हाउस में आला अधिकारी और संघ भाजपा नेताओं ने बैठक की। सर्किट हाउस के सभागार में जिला प्रशासन व भाजपा के कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा, कमिश्नर दीपक अग्रवाल, नगर आयुक्त व आला अधिकारी, भाजपा के नेतागण मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री के आगमन व मास पर्यंत चलने वाले कार्यक्रमों पर वृहद चर्चा की गई। वेद भवन में आयोजित श्रीमद भागवत कथा का शुभारंभ भव्य शोभा यात्रा निकाल कर किया गया।
चौक स्थित वेद भवन में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में बुधवार को बुलेटिन से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाएं सिर पर कलश लिए भजन कीर्तन करते चल रही थीं। वहीं भगवान श्री कृष्ण की सुसज्जित झांकी सभी के आकर्षण का केंद्र रही। वृंदावन से आए कथावाचक पंडित रमेश शास्त्री ने बताया कि कथा का शुभारंभ शोभा यात्रा से किया जा रहा है। इस कथा का आयोजन सभी के कल्याण हेतु किया जा रहा है। किस तरह का कथा करेंगे और क्या संदेश देंगे इसके माध्यम से? इस माध्यम से आध्यात्मिक विषय पर बोलेंगे और जो है जनहित के लिए जो भी कुछ होगा जनहित के लिए लाभार्थ के लिए बोलेंगे। गुरुजी जिस तरह से देश प्रदेश को इस समय बहुत उत्साहित हुए हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे, इसके माध्यम से क्या लोगों को भगवान से दुआ करेंगे? इसके माध्यम से लोगों को बहुत सी ऐसी शिक्षा हम देते हैं कि जो जनमानस के हृदय में समाती है, पर आध्यात्मिक विषय एक साथ काम नहीं करता, इसका रस धीरे धीरे आदमी को लगता है और जब इसका रस लग जाता है तो फिर अपनी चरम सीमा पर पहुंच करके जो होना है वो भगवान की दया से होता ही। तो कथा का मुख्य क्या होगा आकर्षण? कथा का मुख्य उद्देश्य है विश्व कल्याण के लिए, मानव मात्र के कल्याण का उद्देश्य कथा का है। कहाँ से शोभा यात्रा? बुलेटिन से निकला है और कल 9 तारीख बृहस्पतिवार को भागवत गीता का प्रवचन वहाँ होना है और लगातार 7 दिन का भागवत प्रोग्राम कथा है और 8वें दिन भंडारा प्रसाद वेद भवन टिहरी से। आप सभी लोगों को निमंत्रण है, जरूर आइएगा। तो वक्त तो चला, एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत BHO सामाजिक विज्ञान संकाय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बुधवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ के तत्वाधान में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री डॉ. नीलकंठ तिवारी, गंगा महासभा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. नीरज त्रिपाठी इत्यादि लोग शामिल रहे। अतिथियों ने प्रख्यात शिक्षाविद एवं DAV PG कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सत्यदेव सिंह का सम्मान किया। उन्हें अंगवस्त्रम, पुष्पगुच्छ, प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर दीनदयाल उपाध्याय सम्मान से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अजीत कुमार सिंह यादव, प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्र, प्रोफेसर विजय बहादुर सिंह, डॉ. विक्रमादित्य राय, डॉ. जितेंद्र नाथ मिश्र, अशोक पांडे इत्यादि विद्वत जन उपस्थित रहे। देखिए, सामाजिक विज्ञान संकाय के दीनदयाल पीठ द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित है। दीनदयाल पीठ ने पहले दिनों में घोषणा की है कि 75 काशी के कर्मवीरों का हम सम्मान करेंगे, जिन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाई है और वो अनाम है, उनको किसी तरह का पूछने, लेकिन वो अपने काम में हरनिश रूप में जा रही है। तो ऐसे लोगों का सम्मान का कार्यक्रम है। आज DAV कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सत्यदेव सिंह जी का पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमृत महोत्सव सम्मान दिया जाएगा। और उस संदर्भ में एक अद्भुत कार्यक्रम है कि देश बनारस में काशी कॉरिडोर जैसी एक अद्भुत रचना सबके सामने है, दुनिया इसको देख रही है। अकल्पनीय ये कार्य हुआ है जिसको किसी ने काशी में कम से कम नहीं सोचा था, काशी में क्या विश्व में कभी नहीं किसी ने सोचा था कि बाबा विश्वनाथ का यह विराट रूप सामने आएगा। तो ये काशी के वासियों के लिए अद्भुत कार्य है और स्मरणीय क्षण है। हमारी जैसी पीढ़ी के का सौभाग्य है कि हम लोग राम जन्मभूमि का राम मंदिर बनते हुए देख रहे हैं और काशी कॉरिडोर की रचना देख रहे हैं। तो काशी कॉरिडोर का वैश्विक क्या परिप्रेक्ष्य है, उसका क्या मूल्यांकन होगा, उसका पर्यटन पर क्या उद्देश्य होगा, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्या रूप होगा, इस पर एक डिबेट काशी के लोगों द्वारा है, एक डिस्कशन काशी के लोगों द्वारा, ये आज का कार्यक्रम है। BHO में छात्र, अध्यापक व कर्मचारी संघ बहाल किए जाने की मांग को लेकर कुलपति को ज्ञापन सौंपा गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र संघ, अध्यापक संघ और कर्मचारी संघ बहाली की मांग को लेकर कुलपति को ज्ञापन सौंपा गया। छात्रों ने कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 2 दशक से ज्यादा समय हो गया है जब छात्र संघ, अध्यापक संघ और कर्मचारी संघ का चुनाव हुआ। लंबे समय से आंदोलन होता आ रहा है चुनाव कराने के लिए। विश्वविद्यालय में कोई भी लोकतांत्रिक मंच नहीं है जिसके माध्यम से छात्र, अध्यापक और कर्मचारी अपनी समस्याओं को उठा सकें। लोकतंत्र सबका अधिकार है, इसलिए हम छात्र, अध्यापक और कर्मचारी के हित में तत्काल प्रभाव से उनका लोकतांत्रिक मंच, उनका संघ बहाल करके
चुनाव की तिथि घोषित करने की मांग कर रहे हैं। अब से किस तरह का आज आप लोग पतंग देने आए थे, क्या था मामला? देखिए, पिछले 20 वर्षों से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, देश के तमाम विश्वविद्यालयों में छात्र संघ का चुनाव हो रहा है, लेकिन पिछले 20 साल से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं कराया जा रहा है, चाहे वो शिक्षक संघ का हो, चाहे कर्मचारी संघ का हो, या छात्रों का छात्र संघ का हो। बीच में परिषद के चुनाव कराए गए थे एक दशक पहले, हम लोग उसके सदस्य भी रहे हैं, लेकिन हम लोग फुल फेज का एक बार मांग करते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव कराया जाए। और किस लिए कराया जाए कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जब छात्रों के साथ, कर्मचारियों के साथ और अध्यापकों के साथ कुछ अन्याय हो, कुछ जाति हो, तो उनकी मांग रखने के लिए एक लोकतांत्रिक मंच होना चाहिए, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नहीं है। देश के तमाम विश्वविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव कराए जा रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र संघ आखिर क्यों नहीं है? प्रश्न खड़ा होता है कि यहाँ के विश्वविद्यालय के जो भी मानिंद कुलपति आए और गए, या यहाँ के जो प्रशासनिक पक्ष हैं, वो कभी नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर छात्र संघ का चुनाव हो। इन सारी बातों से हम लोगों ने कुलपति, कार्यवाहक कुलपति से हम लोगों ने आग्रह किया कि आप छात्रों के लिए एक मंच दें, और जिससे कि एक सकारात्मक मैसेज भी जाए, और इसलिए कि लोकतंत्र के सर्वोच्च पद पर आसीन देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में अगर लोकतंत्र की हत्या होगी तो एक गलत मैसेज आएगा। इसलिए छात्र संघ का चुनाव यहाँ कराया जाए, और जो भी छात्रों से इतर, चाहे कर्मचारी हो या शिक्षक संघ के जो संगठन हैं, उनको बहाल करके चुनाव कराया जाए और उन सभी सबके लिए एक मंच उपलब्ध कराया जाए। क्या शासक मिला? कुलपति जी का कहना है कि हम इस पर विचार करेंगे और जल्द ही एक तिथि हम घोषित करेंगे। कहाँ गए थे आज किससे मिलने, क्या मामला? कुलपति महोदय से हम लोग बताएं कि 20-25 साल हुए छात्र संघ का, कर्मचारी संघ का, अध्यापक संघ का कोई यहाँ पर जगह नहीं था, कोई बात हम लोग नहीं रख पाते हैं, तो अंत में धैर्य का बांध टूट गया। हम लोग सुप्रीम कोर्ट से आर्डर लेकर हम लोग आए थे कि छात्र संघ होना चाहिए, उसके बावजूद ये लोग बहाल नहीं कराए हैं। तो आज हम लोगों ने प्रदर्शन किया है, घेराव किया है, और तिथि जल्दी से तय करने की मांग की है, और कुलपति जी ने कहा है कि हम जल्दी तिथि तय करेंगे, नहीं करेंगे तो रूपरेखा तैयार कर ली गई। सांघिक नेतृत्व में बड़ा आंदोलन तय किया गया है और लड़ाई चलती रहेगी। दोहरे हत्याकांड के मुकदमे में अपर सत्र न्यायाधीश ने 3 अपराधियों को अर्थदंड के साथ फांसी की सजा सुनाई। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में 12 वर्ष पूर्व घोसी कोतवाली क्षेत्र के भिकारीपुर में पुरानी जमीनी रंजिश को लेकर की गई 2 लोगों की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम रामराज द्वितीय ने इसी घटना के संबंध में चले ट्रायल के बाद 3 अभियुक्तों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों अभियुक्तों पर 10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। घोसी थाना क्षेत्र के भिकारीपुर ग्राम अंतर्गत अकलू चौहान, जयचंद तथा रामशरण को गांव के ही रामसनेही गुप्ता की जघन्य हत्या का दोषी मानते हुए मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है। न्यायाधीश द्वारा सजा सुनाने के बाद कचहरी सहित पूरे जनपद में सनसनी फैल गई। न्यायाधीश की सजा सुनाते ही पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया है। अभी तक मऊ जनपद के इतिहास में ये पहली बार देखने को मिला है कि किसी केस में 3 अभियुक्तों को फांसी की सजा हुई है। थाना घोसी का मामला है, एक गांव भिखारीपुर है। 2009 में 18/3/2009 को ये किया गया वादी मुकदमा। मृतक का पुत्र है तुलसी गुप्ता, उसके द्वारा थाने में तहरीर लिखाई गई कि उसके पिता खाना खा करके और गाँव के सिवाने में ट्यूबवेल स्थित है वहीं गए थे सोने, और अभियुक्त गण द्वारा उसी जमीनी रंजिश को लेकर के और रंजिशन उनकी हत्या कर दी गई, और उसी के बगल में 25 मीटर की दूरी पर पब्बर सोए थे, इनको अभियुक्तों को लगा कि इन्होंने घटना देख लिया है, उसी उसको उससे बचने के लिए कि ये जा करके सो कर देंगे, बता देंगे, उसकी भी उनकी भी हत्या कर दे। तो डबल मर्डर का ये केस था जिसका परीक्षण जो है यहाँ अपर न्यायाधीश FTC फर्स्ट माननीय रामराज द्वितीय के न्यायालय में चला है। प्रोसिक्यूशन द्वारा कुल अपने 6-7 गवाह पेश किए गए। इस दौरान दोनों पक्षों का तर्क सुनने के बाद न्यायाधीश माननीय रामराज द्वितीय जी ने आज 3 अभियुक्तों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई। एक अभियुक्त जो है बेफू चौहान की मृत्यु सत्र परीक्षण के दौरान ही हो गई थी। सभी अभियुक्तों को आज न्यायिक हिरासत में लेकर के जेल भेज दिया। तो चलते चलते अपन एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सुभाषपा द्वारा सरदार पटेल एकता समारोह का किया गया आयोजन।
श्री काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पण के उपलक्ष्य में निकाली गई प्रभात फेरी। हरिश्चंद महाविद्यालय के छात्रों ने कॉलेज परिसर में व्याप्त विभिन्न समस्याओं के विरोध में किया धरना प्रदर्शन। और बीएचयू के रेजिडेंट चिकित्सकों द्वारा हड़ताल कर इमरजेंसी सेवा बंद किए जाने से मरीजों को हुई काफी परेशानियां। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।